सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मॉडिफिकेशन। सो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है, हमारी यूनिवर्सल हज़ार लाइट स्विच की, जो कि मैंने हज़ार लाइट स्विच की पहले ही एक वीडियो बना चुकी है हज़ार लाइट की, बट ये वाली जो वीडियो है ये होने वाली है पर्टिकुलर इस स्विच की। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सो ये वाली इसकी स्विच की, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये हज़ार का निशान भी बना हुआ है। सो ये वाली जो हज़ार स्विच है ये मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से बाय किया है, एंड आपको ये लोकल शॉप में बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। ये मिंडा की आती है, बट वो आपको इजीली अगर आप किसी अच्छे सिटी में रहते हैं तो आपको मिल सकती है, पर ये मेरी सिटी में अवेलेबल नहीं थी क्योंकि मैंने काफ़ी से ढूंढा पर नहीं मिली। सो मैंने ये लोकल परचेज़ किया है, इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है, एंड ये भी काफ़ी, वैसे इसकी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लगी। एंड आपको ये बस इसे आपको पुश लॉक मिलती है इसमें, ऐसा आप ये देख सकते हैं। तीन वायर्स मिलते हैं जिसमें से ये वाइट, ब्लू एंड पिंक तीनों ही इंडिविजुअली कनेक्ट रहते हैं, एंड जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं सो ये तीनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। सो इससे आपको ये हज़ार्ड के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, एंड ये हज़ार्ड के लिए ही ये स्विच पर्टिकुलर बनती है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ आपको इस हज़ार स्विच को कैसे कनेक्ट करना है विदाउट एनी वायर कटिंग के, एंड एक्स्ट्रा वायर ऐड नहीं करनी है। इसी वायर से, बस इतनी ही वायर से मैं इसमें आज हज़ार लाइट स्विच इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये मैंने 150 की बाई किया था। अगर ये हज़ार स्विच बाय करना है तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर ले, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी रहती है। अभी तक आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी होगी यूट्यूब पे जिसमें आपको विदाउट एनी वायर कटिंग की एंड विदाउट एनी वायर एडिट करे कोई किसी ने वीडियो बनाया है, एंड बट मैं आपको ये वाली वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपको इतनी सी वायर से कैसे आपने इस ट्यूब में आप हज़ार स्विच इंस्टॉल कर सकते हैं। सो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। तो चले गए, आज का मेरे वीडियो करते हैं यहीं पर स्टार्ट। तो गाइस, आपको हज़ार लाइट स्विच इंस्टॉल करने के लिए आपको यारी जो फ्रंट फेयरिंग है इसकी ये निकालनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक नट मिल जाएगी, एंड देन यहाँ पर अपोजिट साइड में यहाँ, एंड आप ये देख सकते हैं ये वाली, एंड जस्ट अपोजिट में ये वाली नट, एंड इसकी यहाँ पर एक और है ये वाली, एंड देन ये वाली इसकी जस्ट अपोजिट में। सो हमको ये पूरी नट निकालनी है, उसके बाद ये इसकी जो फ्रंट फेयरिंग है ये ओपन हो जाएगी, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। एंड गाइस, मैं इसकी जो स्विच है वो यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर से ऑपरेटिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड से ऑपरेटिंग करने में, एंड यहीं पर इंडिकेटर एंड हॉर्न, एंड यहाँ पर ये हमारी ऊपर डिपर की स्विच भी है, यहाँ पर ये हज़ार की भी स्विच लग जाएगी। तो चलिए मैं पहले इसे ओपन कर लेता हूँ। 12 seconds later। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं मैं अपनी जो हज़ार स्विच है वो यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो आपको मैं हज़ार स्विच दिखा देता हूँ जो कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करी है। तो आप ये देख सकते हैं ये है हमारी हज़ार स्विच, एंड इसकी ये जो तीनों वायर्स है ये इंडिविजुअल रहती है, तो इस वजह से ये हज़ार में हमारी अच्छे से काम आएगी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हज़ार का साइन। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए मैं इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे रहेगी यहाँ पे। सो सबसे पहले मैं इसका डायमेंशन लेके यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर कट कर सकूँ, क्योंकि इसे कट करके ही इसे यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए पहले से कोई भी प्लेस नहीं है, क्योंकि ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये यूनिवर्सल है इस कारण। सो सबसे पहले मैं इसकी ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये स्केलिंग कर लेता हूँ। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं मैं इसकी मार्किंग करके यहाँ पर आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ। 2000 years later। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये होल कर ली है, एंड इसमें ये जो मेरी स्विच है ये प्रॉपरली आ जा रही है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एंड बस इसे थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा। वैसे ये तो फिनिशिंग नहीं है, इसे बाद में फाइलिंग करके इसे फिनिश कर दूंगा। मैं आपको इसकी नेक्स्ट साइड दिखा देता हूँ जो कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। ये मैं बाद में इसे फाइलिंग करके इसे प्रॉपर कर लूँगा, एंड आपको इसमें कोई भी वायर कटिंग नहीं करनी है। इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो हमारी ये इंडिकेटर की जो रहती है कपलर, उसी में से हम एक में आप ये देख सकते हैं ये वाली जो इसकी है इसे निकालना होगा। ये है हमारी इंडिकेटर की, एंड ये वाली जो कपलर है इसी में ही हमको अपनी ये जो हमारी जो हज़ार लाइट की जो कपलर है इसके आपको ये वायर को थोड़ी पील ऑफ करनी है। आप ये देख सकते हैं मैंने इसे कर लिया है, एंड हमें इसे इन तीनों वायर्स को, क्योंकि ये तीनों इंडिविजुअल हैं, तो इन तीनों को इस इंडिकेटर वाली इसमें लगाना होगा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ इसे करके। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं इसे कुछ इस तरीके से, इसे हाफ हाफ पोर्शन इसके डायरेक्ट इसके जो कपलर को इसके ये वाली जो इसकी इंडिकेटर स्विच है इसमें लगा देना है, एंड आपकी ये वाली जो है
ये आपकी जाएगी 1000 स्विच में, ये वाली जो कपलर है। और आपको इसमें कोई भी वायर कटिंग नहीं करनी है, आपको बस सिंपल सी करनी है। तो चलिए मैं इसे आपको करके दिखा देता हूँ। A few inches later. आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने इसे कुछ इस तरीके से लगाया है एंड मैं इसे आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लेफ्ट इंडिकेटर ब्लिंक कर रही है, एंड देन करते हैं इसे ऑफ, एंड देन मैं राइट कर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं इसकी राइट इंडिकेटर ब्लिंक कर रही है। एंड इसके बाद अब हमें करते हैं इसकी हजार्ड की, यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से स्विच है। स्विच से बस कुछ इस तरीके से सिंपली आपको लगाना है, एंड जैसे ही आप इसे हजार प्रेस करते हैं आप ये देख सकते हैं, एंड जैसे ही मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं ये प्रॉपरली सिंपल अच्छे से वर्किंग कर रही है, एंड इसमें कोई भी वायर कटिंग नहीं है, आप ये देख सकते हैं। एंड मैं इसे यहीं पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो चलिए अब इसे कर लेते हैं एंड मैं आपको इसी फाइनल लुक दिखाता हूँ। सो गाइस आप ये देख सकते हैं मैंने इसके कपलर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकाल लिया है, आप ये देख सकते हैं। अब हमें इसमें बस हजार लाइट फिट करनी है जो कि हमारी ये है, एंड इसे अब बस इसे कुछ इस तरीके से करना है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। आपको बस इसे कुछ इस तरीके से करना है, मैं इसी फिनिशिंग बाद में कर लूँगा। इसे कपलर को यहाँ पर लगाना है तो मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। अभी देख सकते हैं मैंने इसे कपलर को कुछ इस तरीके से लगा दिया यहाँ पर, एंड ये वाली स्विच है ये इसकी वक्त तो करनी चाहिए, तो चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। एंड आप ये देख सकते हैं इग्निशन ऑन हो गई है, एंड यस गाइस ये अच्छे से वर्क कर रही है, एंड इंडिकेटर चेक कर लेते हैं। एंड गाइस यहाँ पर से काफ़ी हैंडलिंग होगी जैसे कि आप भी देख सकते हैं। सो अब ये वाली जो मैंने हजार लाइट लगाई थी ये मैं निकाल दूंगा, कि ये काफ़ी इसके लिए मशक्कत करनी पड़ती थी, एंड ये तो इजीली हो जा रही है, इसमें कोई भी वायर कटिंग नहीं है, आप ये देख सकते हैं। सो चलिए आज की हमारी वीडियो होती है यहीं पर क्लोज़। आई होप गाइस आप अभी तक इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आपने वीडियो कहीं भी स्किप नहीं किया है जिससे आप किसी पार्ट को मिस करें। एंड अगर अभी तक आप वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड बेल का आइकन को दबा लें जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ। एंड मेरी अभी भी न्यू मॉडिफिकेशन वीडियो आती रहती है, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीक में 2 वीडियो जरूर डालूँ, बट अभी लास्ट मंथ से मेरी कोई वीडियोस नहीं आ रही थी। तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर ले क्योंकि वहाँ मैं अपडेट करता रहता हूँ। एंड आपको यहाँ पर स्क्रीन में आईडी आ रही होगी। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा इस स्विच को लेकर कि ये वाली स्विच की तो वीडियो आपने यूट्यूब में काफ़ी सारी देखी होगी, बट मैं इसे वापस क्यों बना रहा हूँ। तो ये वाली जो स्विच की वीडियो है ये प्लग एंड प्ले मैंने फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब दिखाई, जिसमें आपको विदाउट एनी वायर कटिंग के एंड विदाउट एनी वायर जॉइंट के मैंने बनाई है। एंड ये वाली वीडियो आपको यूट्यूब में आप काफ़ी सारी वीडियो देख लेंगे, मैंने खुद सर्च किया बट मुझे एक भी वीडियो ऐसी नहीं दिखी जिसमें विदाउट एनी वायर आपको, इसमें काफ़ी सारी वीडियो है यूट्यूब में जिसमें आपको यहाँ से वायर जॉइंट करके और फिर इसे कट करके आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, बट ये वाली जो मैंने इसी वायर्स पे जो किया है वो किसी ने नहीं किया, इसलिए मैं आपको ये वाली वीडियो बना के दिखा रहा हूँ अलग से। तो इसलिए वरना मैं इसे वीडियो नहीं बनाता क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें अभी 25K प्लस व्यूज़ है। सो वाली वीडियो काफ़ी अच्छी रनिंग कर रही थी एंड वो भी आप कर सकते हैं वो मेथड भी, बट अगर आप ये वाली स्विच यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा एंड ये काफ़ी इकोनॉमिकली भी है ये वाली स्विच। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में रहते हैं तो आप हजार स्विच का यूज़ करें, एंड ये वाली हजार स्विच का आपको जो मैंने इंस्टॉलेशन की वीडियो दिखाई ये काफ़ी सिंपल है एंड इजीली आप इसे अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। अभी भी आपको इस स्विच को लेकर कुछ भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं, वहाँ मैं इंस्टेंटली रिप्लाई कर देता हूँ। मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम में पहले अपडेट कर देता हूँ, तो मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर ले। तो चलिए गाइस आज की मेरी इस वीडियो करते हैं यहीं पर क्लोज। सो राइड सेफ, ऑलवेज योर हेलमेट, ऑलवेज योर सीट बेल्ट। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया।